बाय बाय। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ और सांची मरते दम। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बैक इन वीडियो। आज की वीडियो के लिए हम जा रहे हैं संध्या के घर और अंशु मौर्य सर के घर। अच्छा, जो यूट्यूब वाले बाबा हैं उनसे मिलने जाएंगे और संध्या से मिलने जाएंगे। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मैं क्या करूं फिर जॉब? और दोनों एक गांव में रहते हैं और वहीं जाएंगे हम उनसे मिलने। तो दोस्तों हमारे यहां से तकरीबन बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं बात तो सही है मैं वहीं जा रहा हूं उनसे मिलने। दोस्तों मैंने सोचा कि मतलब मैं सुबह इधर आया था अपने खेत की ओर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तो आप लोगों को बता दें कि मैं कहां जा रहा हूं। तो अभी चलते हैं घर को और नहाते धोते और निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको रास्ते पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे डलमऊ में। यहां पर बहुत ही ज़्यादा जैसे बाढ़ आ गई। यहां पर देखिए भाई, इस तरफ देखिए एकदम जैसे बाढ़ आ चुकी है। यहां पर बहुत ही ज़्यादा यहां पानी, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। क्या बोलें यार भाई, वो पुल इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा पुल है, मतलब भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बहुत कम से कम आधा किलोमीटर के अंदर ये पुल है समझ लो। और आपको ये कैमरे में वीडियो मिल जाएंगी, कैमरे से आपको जूमिंग दिखाएंगे और सिनेमैटिक शॉट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो हम चल रहे थे बाबा जी के पास, तो हम मेरे को मिला डलमऊ में रुक गया हूँ और यही वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं। डलमऊ मंदिर कुछ इस प्रकार है। उधर उस तरफ मंदिर आपको देखने को मिलेगी, उस तरफ डलमऊ की मंदिर है और इस तरफ हम लोग, ठीक है भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा ही गाड़ी चलती है और पुल एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब ये चिकची मतलब गाड़ी आ रहे हैं तो ये जंपिंग कर रहा है, जंपिंग समझ रहे हो भाई। तो मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है इसीलिए मैं जा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और निकलता हूँ फतेहपुर के लिए। फतेहपुर निकलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे पड़ेगा शाहगांव हमें जाना है, बाबा जी के पास मिलना है बाबा जी से, उसके बाद हमें आना है। देखते हैं बाबा जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मतलब बंद करो आप। बाबा जी घर पे होंगे तो मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर आगे, ठीक है भाई। यहाँ डलमऊ में मेरे को भाई मिले हैं, ऑटो चलाते हैं और बोल रहे हैं कि मेरे कैमरे से एक सेल्फी निकाल दो मेरे सामने, मतलब मेरे साथ में एक सेल्फी हो जाए। तो भाई साथ में हम सेल्फी निकाल रहे हैं, एक भाई बोल रहे हैं सेल्फी निकालेंगे, क्यों भाई? हाँ भाई सेल्फी निकालेंगे। इनका चैनल मतलब अपना चैनल इसमें सब्सक्राइब कर दिया अपने फोन, इनके फोन तुमसे ना हो पाएगा फोन में। अभी इनकी वीडियो मिल जाएगी, क्यों देखेंगे ना वीडियो। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई हो गए हैं, एक तरीके से सब्सक्राइबर भाई हो चुके हैं, ठीक भाई भी जाइए। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। कहाँ रहते हो? अपनी कहाँ पर है हम? ये प्रॉपर है कहाँ चलाते हैं? डालगढ़। कितना लेते हो किराया? 40 रुपये लेते हैं भाई, 40 रुपये लेते हैं। फतेहपुर से लालगंज से फतेहपुर के लिए 40 रुपये किराया लेते हैं। हम आएंगे तो डिस्काउंट करोगे? अगर हमारी ऑडियंस आएगी वो 35 रुपये सीधा बोल दिए भाई कि 35 रुपये लेंगे, 35 रुपये लेंगे ना हमारा लेंगे। हाँ भाई, मेरा चैनल का नाम बोलना कुंदन DC ब्लॉग, और ये बोल देंगे भाई 35 रुपये लेंगे एकदम आराम से, 35 रुपये जाओगे ना। ठीक है ठीक भाई, जाते हैं भाई। फोटो हो गया उसमें मिल जाएगा, कुतिया बनाया तुमको। इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ भाई, इंस्टाग्राम फॉलो कर देंगे, उस पर इनके फोटो डाल देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर चलते हैं भाई। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लालगंज हम पहुंच चुके हैं और यहां से अभी हमें जाना है तकरीबन 25 किलोमीटर आगे है फतेहपुर से फिर आगे हमें जाना है 10 किलोमीटर और, तो मिलेगा शाहगांव। वहीं पर रहते हैं बाबा जी का आश्रम वहीं है, तो वहीं। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी है, तो वहीं चल रहे हैं आप। और ये फतेहपुर का रास्ता इस तरफ गया है और गाड़ी कुछ हमारी उस तरफ खड़ी हुई, उस पर गाड़ी हमारी खड़ी है और हम इधर चलेंगे तुरंत और आपको आगे मिलाएंगे, ठीक है भाई। चलते हैं। Thank you.
किस तरफ? सीधे एकदम चले जाओगे। हाँ ठाकुर जी प्रताप स्कूल मिलेगा। ठीक है, बगल से रास्ता गई। लेफ्ट मिलेगा या राइट? बड़े गांव लिखा होगा। बड़े गांव अंदर सीधा चल जाओगे, एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा, एकदम लास्ट में। ठीक है भाई, मैं सा गांव पहुंच चुका हूं और यहां रास्ता पूछ रहा था, तो छोटू ने बोला है कि आपको सीधे जाना है, एक स्कूल मिलेगा उधर से आपको मुड़ना है। यहीं कहीं स्कूल है लास्ट में, अतः सीधा है। हमें लगता है यही कहीं है, यही वाला रास्ता है। हमें लगता है ये वाला रास्ता जहाँ तक है। यही रास्ता हमको लगता है। वही यहाँ रास्ता पूछना पड़ेगा मेरे को। रिएक्शन बड़े तगड़े तगड़े मिल रहे हैं। यहीं कहीं से रास्ता है हमको लग रहा, बाहर बाहर भाई रास्ता मिल जा मिल जा। प्रताप स्कूल को ही बताइस राइस है कुछ यार। GS सेंटर सेंटरनल स्कूल ऐसा कुछ है यहाँ पर। भाई रास्ता मेरे को मिल नहीं रहा है यार, मैं क्या करूँ यार। चलिए किसी से पूछते हैं उसके बाद मिलते हैं। यही वाला था ठाकुर। भाई जिया सेंट्रल स्कूल कहाँ है? पर जिया सेंट्रल स्कूल हाँ पीछे से, और पीछे जाना पड़ेगा, ट्रक के पीछे लगी है। हाँ अंदर को एकदम लास्ट में स्कूल पड़ता है बाएं हाथ। ठीक है भाई, भाई बता रहे पीछे से जाना है आपको, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ यही रास्ता है, यही रास्ता। काश पक्का कच्चा रहा है ना यार। चलो देखते हैं भाई, इसी तरफ हमसे बोला गया है किस तरह चलिए, देखते मिलता है या नहीं मिलता है। यही गांव है, पर एक बार ही आया हूँ मैं पर भूल गया यार। देखते यही गांव होएगा, यही गांव है। हाँ हाँ मिल गया मिल गया भैया, पहुँच गए समझ लो। यही रास्ता है। हाँ ओ भाई रास्ता तो बहुत ख़राब है यार यहाँ का। ओ भाई रास्ता तो बहुत ही ख़राब है यार यहाँ का। अरे अरे कहाँ आए गए बे। अरे भाई सिट अरे कहाँ ले आए यार। अबे इतनी तेज में गिरी, अबे गाड़ी यो यो हो रही है भाई, कहाँ पहुँच गए यार, हो गया दिमाग खराब। इस कार वाले से तेज तो मैं चला रहा हूँ यार। अबे तो कहाँ ले जा रहे हैं पैर परख ले आए जुटवाई होगा परख ले। तो कौन सी रास्ता में ले आप? अरे मेरे भाई यार दिमाग ख़राब हो गया यार। आप जीएस सेंट्रल स्कूल कहाँ पड़ेगा यार भाई? हमें लगता है इधर बाहर ही है।
इस तरह तो पड़ेगा नहीं। हमने नहीं घोराओ तो नहीं, बाबा के गांव मारन भटक रहे हैं। चलो नेटवर्क तो लगा यार यहाँ पर। वो देखो यार पीछे मिला, वो है भाई उसके पीछे मैं आ गया, ये वाला स्कूल है तो उधर से आने, उस तरफ से आना पड़ेगा यार। उधर ही घर है, उधर सामने पड़ेगा घर, जहाँ फ्लैग लगा वही घर, वही जहाँ तक। तो दोस्तों वो वाला स्कूल है, हम चले आए गलत रास्ता, अब हमें चलना पड़ेगा उसी तरफ। मैं मुड़ आया गलत रास्ता यार, भाई मेरे को मुड़ना था इस तरफ और मैं मुड़ गया था इस तरफ, अब मेरे को इस तरफ चलना है। इधर इतना अंदर आना पड़ गया यार, अबे बतख बैठे हैं यार भाई लोग तो हैं। घर इस तरफ होएगा, सामने वाला घर होएगा, हाँ स्कूल ये है। सब मिलाइन वाले आए हैं, हम गलत आए बैठे। हाँ वो तो भाई की गाड़ी खड़ी है सर जी की, वो तो यूट्यूब वाली कार भी खड़ी है, भाई कच्चा लहा सो मैं भी आ गया हूँ। वीडियो बन रही अंदर, अंदर वीडियो बन रही। भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यार, वो तो भाई चलो चलते हैं मिलते हैं भाई। बाबा जी की कार ये रही, बाबा जी की कार इस तरफ है और हम बाबा जी के स्कूल में पहुंच चुके हैं। ये देखो स्कूल ये रहा और बाबा जी का सूट हो रहा है इस तरफ। भाई लोगों से मिलने आए, बाबा लोग से इतने लोग मिलने आए हैं, देख लीजिए भाई। भाई सब गाड़ी जो है ये बाबा जी के लिए मिलने के लिए आए, बस कहाँ कहाँ से आई गाड़ी अभी बता रहा हूँ मैं। यूपी 73 इसका नंबर है, यूपी 71 तो यहीं के हैं, ये सब यहीं के हैं, मिलने आए हैं यहाँ पर। ये भाई लगता है दूर से आया, ये जो बाइक है इसकी, ये वाला बाइक जो है ये हमें लगता है बहुत दूर से आया। ठीक भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं भाई। भाई का सूट चल रहा है सर जी का, तो दोस्तों मैं बाबा जी के पास आया था, बाबा जी हमें तुरंत पहचान गए क्योंकि मैं एक बार बाबा जी से मिलने आया था इसी स्कूल में। ठीक है भाई मैं यहीं आया था बाबा जी से मिलने, तो बाबा जी हमें तुरंत पहचान गए और बाबा जी की ये कार है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यूट्यूब वाले बाबा, सॉरी सॉरी, यूट्यूब वाले बाबा की बुलेट है ये देखो। ये भाई सारे लोग यहाँ पर मिलने आए बाबा जी से, बहुत लोग हैं। ये बाबा जी का स्कूल है, इसी में मैं खड़ा हूँ। ठीक है भाई चलिए, यहाँ पर बहुत लोग मिलने आए भाई, क्या बताएं यार, मेरे को थोड़ा लेट हो गया ना यार, समझ रहे हो भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा लेट में आया हूँ। लगता है वीडियो बनती कि नहीं बनती है, पता नहीं, मैं इसमें कुछ लगाने वाला था गाड़ी में, देखते हैं लग पाता कि नहीं। समस्तीपुर बिहार के हैं सब, ये जितने भी हैं सब समस्तीपुर बिहार के हैं भाई लोग, ये अपनी अपनी बता रहे हैं परेशानी। देखिए स्कूल में काम चल रहा, बहुत अंकल जी हैं, मतलब उनके पापा जी हैं अंशु मौर्य अक्षर के पापा हैं और ये स्कूल में ही रहते हैं ऊपर, और ये स्कूल का गेट है ये देखो, इसके अंदर इंटर कर दिए हम। ये देखिए ये क्लास है, ये सारी क्लास है विद्यालय। ये देखिए ये बलून पड़ा यहाँ पर, ये देखो बलून यहाँ पर पड़ा है, और ये स्कूल का कुछ ये सीन है। देखिए भाई ये देखिए, काफ़ी बड़ा स्कूल है भाई, काफ़ी बड़ा स्कूल है। इधर तो अंधेरा अंधेरा है यार, अब मैं चल रहा हूँ यार बाहर, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, पहले भी स्कूल से बहुत ज़्यादा बोर होता था, अब भी बोर हो रहा हूँ। चलिए बाहर चलते हैं भाई, और इस तरफ जाएंगे तो दूसरा फ्लोर मिलेगा, पर मैं जाऊँगा नहीं, पर थोड़ा सीन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए बाहर कभी हुए, खेत पात कुछ दिख रहा है इस तरफ,
देखिए भैया इस तरफ खेत पाते सारे, और ये देखो काम चल रहा है स्कूल का, आपको दिखाते हैं पास से। ये रहा बाबा, ये स्कूल है। देखिए स्कूल का काम चल रहा है बहुत जोरों शोर से। ये देखिए बल्ली पटरी सारा कुछ लगा अपना। ये भाई है अंशु मौर्य सर का भाई, आपको दिखाते हैं। अभी दिखा रहे हैं अंशु मौर्य सर का भाई जो ट्रैक्टर बना के आया है बाबा जी का, अपने यहाँ पर सीने पर भाई फोटो बाबा जी का लगवाया है भाई ने। अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए बस जस्ट मिनट, टू मिनट बस भाई। अभी बाहर आ रहे हैं, अभी मिलाते हैं आपको। और ये भी वीडियो बना रहा है, ठीक है भाई। और ये अंशु मारी ऐसे करो भाई, ये देखो भाई टैटो दिखा दीजिए अपना। हाँ भाई टैटो, ये देखो टैटो बनवाए थे भाई। चलिए बाहर चलते हैं, चलो लेट्स गो। ये उनके पापा हैं, बाबा जी के पापा सामने मेरे जा रहे हैं, मेरी फट रही। हाँ क्या चीज़ है, कपड़ा नहीं पहने तो कहाँ हुआ कपड़ा नहीं मेरे, तो गांव में है कोई समझ रहे हो ना, घर पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। बता रहे हैं बाबा जी के पापा, बता रहे हैं कि ये तो जूते पहने हो, जो कपड़े नहीं पहने, समझ रहे हो। मैंने मैं बोला कि कपड़े हो या ना हो कुछ तो पहने हो, उनका मन था मैं सूट बूट पहन के आऊँ और तब मैं फोटो खिंचाऊँ, समझ रहे भाई। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों बाबा जी चले गए थे खाना खाने, तो मैंने सोचा कि आपको संध्या के घर तक के दिखा दें, तो मैं जा रहा हूँ संध्या के घर, मिलते हैं आपको संध्या के घर पे। भाई हम अंशु मौर्य से मिलने आए थे, अंशु मौर्य सर से, और यहाँ संध्या का घर अंशु भाई के जस्ट घर के सामने पड़ता है संध्या जी का घर। ये देखिए संध्या जी की रील बन रही है इस तरफ, और ये संध्या जी की मम्मी है, ये देखिए, समझ रहे भाई। अभी रील बनाएंगे उसके बाद घर को चलेंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये संध्या जी की मम्मी है, ये देखिए हाय करो। हाय प्यारी, समझ गई। ये संध्या जी की मम्मी है और संध्या जी का घर है। अब इनका भाई भी आया था और संध्या जी गई हैं बाबा जी के पास में, मतलब लेकिन सुन के अच्छा लगा। वीडियो बनाने बाबा जी, वीडियो बनाने जा रहे हैं बाबा जी, वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्यों बाबा जी के पास गए हैं वीडियो बनाने के लिए, रील वील बनेगी अभी, उसके बाद बाबा आएंगे बाहर, उसके बाद हम जाएंगे घर को, वो भी ले लियो। चलो फिर जा रहे हैं, बाय बाय, चलो चलते हैं भाई घर को। संध्या जी के घर से जा रहे हैं घर, अबे निकल बाहर, कहाँ रही है बे, चलो चल रहे हैं भाई घर को। हेलमेट लगा लीजिए ये दबा दे यार, वो इंजेक्शन इंजेक्शन वहीं चले लेके चौराहे ठीक है। हाँ वहाँ उधर से बना लेगा, उधर ही चला जाएगा, नहीं तो क्या पता देता है कि नहीं देता, कोई साथ ले जाओ, ठीक है ठीक है। गुरु जी जा रहे हैं, चलिए भैया ठीक है, ठीक बाबा ठीक, जाइए भैया जा रहे हैं, निकल जाएंगे अब, हमें बता देना घर जाओगे वहाँ, ठीक ठीक ठीक। गुरु जी जा रहे हैं इस तरफ, अब हम भी जा रहे हैं, चैन टूट गई हमारी गाड़ी की, इसे बनाएंगे और निकलते हैं भाई, ठीक है।